फिल्मों में तो आपने नटवर लाल देखा होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं मेरठ के नटवर लाल गैंग से। जी हाँ, पुलिस ने ऐसे नटवर लाल गैंग का पर्दाफाश किया है जो बेरोजगार युवाओं से सेना, पुलिस व अन्य सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर मोटी रकम ऐंठने का काम किया करते थे। लोगों से और बेरोजगार युवकों से ये काफी मोटी रकम लेने के बाद फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर फरार हो जाया करते थे। पुलिस के अनुसार आदेश गुजर, आकाश, अंकित, अशोक, आदित्य अपने अनेक साथियों के साथ मिलकर अनेक युवा व युवतियों से नौकरी लगवाने के नाम पर मोटी रकम वसूल चुके हैं। इनका ये गोरख धंधा जनपद मेरठ व अन्य आसपास के जिलों में काफी दिनों से चल रहा था। इनके द्वारा युवकों को जारी किए गए ज्वाइनिंग लेटर व अन्य कागजात भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इस संबंध में थाना गंगानगर में धारा 420, 467, 468, 471, 406, 504 और 506 में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की गई है। इसमें मामला यह है कि ये आदेश गुजर जो है पुत्र जयवीर सिंह, इसके खिलाफ काफी कंप्लेंट थी पहले कि ये अर्धसैनिक बल और सेना में और पुलिस में भर्ती करवाने के लिए ये लोगों को, जो बेरोजगार छात्र वगैरह थे, इनसे ये पैसे लेके और उनकी सेना में भर्ती कराने के लिए ये उनसे संपर्क करता था। और उसके बाद इस चक्कर में काफी सारे लोग जिनको सेना में भी भर्ती नहीं हुए और उनके पैसे भी चले गए, उनकी काफी कंप्लेंट्स हमारे पास आई थी कि इस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी हुई। उसी के मामले में इसको गंगानगर थाने से पकड़ा गया था। सर, कौन कौन से इलाके से धोखाधड़ी करी है, जैसे कि शहरों के नाम आ रहे हैं? मथुरा से कंप्लेन आई है, मेरठ से कंप्लेन आई है और जो हमारे पास कंप्लेन पहुंची। कितनी कंप्लेंट्स? एक कंप्लेन मथुरा से है हमारे पास और मेरठ से टोटल 8 कंप्लेंट्स हैं। कितने जो है पैसे लेते हैं, क्या इनका पैसे लेने का हर जॉब का अलग अलग था, बट फिलहाल जो हमें कंप्लेन में आया 8 लाख रुपए वसूल किए थे उन्होंने। कोई ऑफिस वगैरह था इनका या अपना कहीं घर वगैरह से ही ये पूरा नेटवर्क चला रहे थे? ऑफिस नहीं था इनका भी। कितने आरोपी है इसके अंदर सामने? फिलहाल तो जो नाम आया है वो आदेश गुजर का है और कुछ और नाम है जिन पे हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी आरोपी और खड़े हैं, इनके क्या नाम है? दो आरोपी जो अभी खड़े हुए हैं, एक का नाम है अशोक, अशोक गोस्वामी और अंकित। ये भी इसमें भागीदार थे? ये इसके साथ इस जो इनका पूरा का पूरा नेटवर्क था इसमें शामिल थे। जैसे जो ये अशोक लेके आता था, आकाश जो लोगों को जिनको लेके आता था, तो अशोक के माध्यम से पैसे का ट्रांजैक्शन होता था। तो ये कहीं ना कहीं किसी नेटवर्क में सम्मिलित थे। कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा पूछी गई? इनकी धारा 420, 467, 468, 471, 406, 504, 506 IPC। जैसे ये कॉल लेटर देते थे तो उसमें स्टैंप वगैरह भी लगती थी, तो वो भी गिरोह में शामिल है क्या उसके लिए? अभी इन सब चीजों की जांच करी जा रही है, इसके बाद जो मामला तथ्य सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। स्टैम्प वगैरह बरामद हुई है? कॉल लेटर बरामद हुआ है जिसके सत्यापन किया जाएगा।